हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे कलाकंद बर्फी, वो भी बहुत ही इजी वे में। तो यहाँ पर आधा लीटर दूध लेना है हमें और उसे गुनगुना गर्म करना है। उसमें हम नींबू या फिर विनेगर ऐड कर देंगे और उसे फाड़ देंगे, यानी कि दूध को हमें जो है छेना बनाना है। और उसके बाद यहाँ पर हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे, दूध को हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है। तो छेने का पानी जो है एक्स्ट्रा, उसे अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे और इस तरह से साइड में रख देंगे, हल्का सा क्रम्बल कर देंगे हाथों से। और दूसरे पैन में जो है हम आधा लीटर दूध लेंगे, उसमें थोड़ी सी चीनी यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं रबड़ी का यूज़ कर रही हूँ, तो चीनी मैंने कम ऐड की है। तो दूध अच्छी तरह से बॉयल होने के बाद इसमें रबड़ी ऐड करेंगे। यहाँ पर आप मावा या मिल्कमेड का भी यूज़ कर सकते हो। तो सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद जो हमने छेना बनाया है उसे ऐड कर देंगे। उसके बाद इन सारी चीज़ों को हमें कुक करना है, बीच बीच में इस तरह से चलाते जाएं जब तक कि इसका मॉइस्चर निकल ना जाए। आप देख सकते हो बर्फी का जो टेक्सचर होना चाहिए, इस तरह से हमारा मिक्सचर रेडी है। एक ग्रीस किए हुए मोल्ड में या फिर प्लेट में हम ये जो है मिक्सचर स्प्रेड कर देंगे, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स और इसे सेट होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर ऐसे ही। तो 4 से 5 घंटों के बाद बर्फी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। इसके पीसेस बना लेंगे इस तरह से, बहुत ही परफेक्ट टेक्सचर आया है, टेस्ट भी बहुत ही लाजवाब है। एकदम मार्केट में जैसे बर्फी कलाकंद मिलता है उसी तरह से आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और होममेड मिठाई का मजा लें। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सेव जरूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।